हे गाइस, इट्स मी एट्री अगन। और वेट मिनट, मैं FPP में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2 मिनट में TPP में आता हूँ। तो हे गाइस, इट्स मी एट्री अगन एंड वेलकम बैक टू द लेट्स प्ले माइनक्राफ्ट। सो आई गॉट एपिसोड नंबर 30। भाई साहब, फाइनली वी हैव अचीव द 30th एपिसोड। मर गया मार चोट, ला 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 ला। ओके गाइस, तो हमारा जो है कल का, जो हमने पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन था हाउ कैन यू मेक अ क्रीपर एक्सप्लोड विदाउट नोटिसिंग यू। तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने सारे आंसर दिए, जैसा मैंने पिछले वीडियो में रूल भी एक और बार समझाए थे, सभी ने रूल्स को फॉलो किए, इमोजीज ऐड किए, ठीक है। तो मुझे सभी का जो है आंसर अच्छा लगा, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया हमारे इस छोटी सी गेम के अंदर। बट हमको विनर एक ही लेना पड़ेगा, हम एक से ज़्यादा विनर नहीं ले सकते, नहीं तो ये चीटिंग हो जाएगी, समझे। तो यस गाइस, हमारे विनर है AR गेमर, जिन्होंने हमको आंसर दिया एंड इनके इमोजी से जैसा मैं समझ सकता हूँ, इन्होंने जो है बिना सोचे आंसर दिया है। तो शाउट आउट टू AR गेमर एंड शाउट आउट टू आर ऑल द लवली मेंबर्स ऑल्सो। और अगर आपको भी चेकआउट करनी है हमारी मेंबरशिप, तो हमारे चैनल के ज्वाइन बटन पे एक बार क्लिक करके ज़रूर से चेकआउट करना, जिससे आपको सारे सारे फीचर्स एंड जो भी आपको चीज़ें मिलेंगी वो सारे आप पढ़ पाएँ। तो आज का क्वेश्चन पूछ लेते, जो आज का क्वेश्चन है, वट डज नॉट टेक अ फॉल डैमेज। तो एक और बार सुन लो, वट डज नॉट टेक अ फॉल डैमेज, कौन फॉल डैमेज नहीं लेता है? वो लिविंग थिंग हो सकती है, बट नॉन लिविंग थिंग नहीं है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग फॉल डैमेज नहीं ले सकती हैं, वैसे भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। लिविंग थिंग ही होगी जो फॉल डैमेज लेगी, वो आप भी हो सकते हो, वो कोई भी हो सकता है। इस बार मैं हिंट्स नहीं दे रहा यार, मैं हिंट्स क्यों दे रहा हूँ। यस गाइस, फाइनली वी हैव अचीव द 30th एपिसोड एंड ये मेरा करने का बिल्कुल मन नहीं था। एंड मैंने अपनी स्किन को भी थोड़ा सा इंप्रूव कर लिया है, जैसा कि आपको पता होगा कि ये स्किन जो है मैंने गोकू के रेफरेंस पे ली थी, एंड जो आगे EG लिखा था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो मैंने इसे पूरा ही गोकू का लुक दे दिया आगे से भी एंड कहाँ से पीछे से तो कुछ भी नहीं दिया, बट ठीक है, पीछे से भी दे दिया हमने, ठीक है। तो अभी करते वीडियो को स्टार्ट, सो लेट्स वीडियो बिगिन टू आवर ओवरव्यू गाइस। ओके तो गाइस, जैसा आपको बताओगे, हमने ये पिछले एपिसोड में जो है इसको बिल्ड किया था, ठीक है, एंड वो था हमारा AFK स्पॉट, एंड मैंने इसके थोड़े से जो है रूफ के एजेस और बढ़ा दिए, जिससे इसकी स्पॉनिंग और थोड़ी सी अच्छी हो चुकी है, ठीक है। एंड ये सारे के सारे चेस्ट को जो है मैंने एक साथ जोड़ दिया, जिससे जो भी हमको सामान मिले ना वो सेंटर पॉइंट में आके इकट्ठा हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैंने कुछ 2 घंटा या 2 से ज़्यादा घंटा AFK किया था, एंड मेरे पास जो है ऑलमोस्ट ठीक ठीक सामान है, लाइक इतना भी जो है मुझे लगा नहीं था कि ये कलेक्ट कर पाएगा, बट या इसने जो है हमारे पास एक थे मतलब ऑलमोस्ट 5 स्टैक जो है गन पाउडर इकट्ठा कर दिया है, एंड बोन्स वगैरह भी जो है आ रही हैं, स्ट्रिंग्स वगैरह भी जो है हमारे पास, स्ट्रिंग्स तो भाई बहुत सारी आ रही है, लाइक चलो ठीक है, कोई नहीं, जो भी है फार्म जो है काम तो कर रहा है एकदम अच्छे से। वैसे भी छोटा फार्म है तो आई थिंक इतना चलता है, ठीक है, ज़्यादा अगर बड़ा होता तो मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट भी कर सकता था, ठीक है। बट यहाँ पे हुआ क्या, जैसे मैं इस फार्म को बिल्ड कर रहा था एंड बाद में जब मैंने फार्म पे AFK किया, ये आयरन फार्म तब भी एक्टिव था एंड ये आयरन को प्रोड्यूस करता रहा, लाइक ये तो देख सकते हो यहाँ पे पूरे फ्लावर वगैरह भर रखे मैंने, एंड ये देखो यहाँ पे आयरन वगैरह भरे हुए हैं, जो अच्छी चीज़ है, लाइक हमारे पास एक्स्ट्रा सामान भी आ गया, ठीक है। तो अभी जो है हम थोड़े से और चीज़ें आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद जो है आज के वीडियो के ऊपर चलते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग एंड ओके, तो सबसे पहले जो हम आपको विलेजर ब्रीडर पे लेके जाते हैं, वहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीज़ें इंप्रूव की थी, एंड यहाँ पे एक और ग्लिच हो गया, ये ग्लिच होता रहता है, मेरे को एक ब्लॉक को लगा के इसको तोड़ना पड़ेगा। ओके तो ये ठीक हो गया, चलो तो जल्दी से चलते हैं। मेरे विलेजर मतलब ये जो विलेजर ब्रीडर, ये एकदम ऑटोमेटिक विलेजर ब्रीडर नहीं था, ये था हमारा मैनुअल ब्रीजर ब्रीडर, इसको यही कहते हैं मैनुअल ब्रीजर, क्या कहते हैं मैनुअल विलेजर ब्रीडर, यस, क्योंकि इसके अंदर जो है बेबीज़ को भी हमको ही ट्रैवल करवाना पड़ता है, इसके जो खाना है हमको ही देना पड़ता है, जो इसके बेड्स हैं उसकी सप्लाई भी जो है हमको ही पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे बेबीज आ चुके हैं। एंड यहाँ पे आप अभी पिस्तन वाला चीज़ देखोगे, ये मैंने क्या घटिया किया है वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। एंड यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे मैंने ग्लासेस को ऐड किया, एंड यहाँ पे जो है हमने एक माइनकार्ट रखी है, एक माइनकार्ट को निकालते हैं, ठीक है।
एंड अभी हम माइनकार्ट को जो है इधर रखेंगे एंड इधर ब्लॉक है फिर, ठीक है। तो हम इस माइनकार्ट को एक्टिव कर देंगे, देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी जो है ये फंस चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जान दो, ठीक है। तो ऐसे देख सकते हो हम ऐसे विलेजर्स को जो है बाहर निकालेंगे और जब हमको लगेगा कि इनको आगे भेजना है तब जो है हम इसको फ्लिक करेंगे एंड इसको फ्लिक कर देंगे। तो अभी जो है इधर से ये आगे भी जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमको जहाँ पे भी इसको लेके जाना होगा ये वहाँ पे भी जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने काफ़ी ज़्यादा इजी सा सिस्टम यहाँ पे बनाया है, लाइक हटर। ओके, तो अब देखते हो यहाँ पे ब्लॉक आ गया, तो यहाँ से जो है ये ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो हमको जो है बस माइनकार्ट को इधर रख देनी है, तो अपने आप ही जो है ये विलेजर्स को पकड़ लेगा, ठीक है। लेट्स सी एक और पार्ट पकड़ता है कि नहीं पकड़ता। अबे जा। ओके, गया। वो जो है कि क्या हुआ, ये फंस रहा है यार, ये कहाँ फंस रहा है गधे, अकल नहीं है इसको, फंसी जा रहा है बस सबसे। इधर रेल, ये ना माइनकार्ट। ओके, आ गया, शुक्र है आया। ओके, तो अब देखते हो ये जा भी रहा है, तो अब बस हमको जो है इसको इधर ऐसे करना है। ओके, तो देखते हो हम ऐसे जो है इसको लेके जा सकते हैं, जो मैंने बहुत नॉर्मल सा बनाया है, इसको मार देते हैं। हमको किसी भी विलेजर की अभी फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है, एंड ये वाला विलेजर पूरा मैनुअल है, इसमें हर एक काम हमको ही करना पड़ता है। यहाँ पर मैंने कैरेट्स भी डाल दिए हैं, बहुत सारी कैरेट्स डाल दी हैं, देख सकते हो आप। एंड जैसे मैं इसको ऑन करूँगा बस से अपने आप ही जो है ब्रीड करना शुरू कर देंगे, लाइक ओके। एंड यहाँ पे हर चीज़ हमको खुद ही करनी पड़ती है, जो एकदम फुली ऑटोमेटिक होता है उसमें जो है बस हमको माइनकार्ट्स वगैरह लगा देनी होती हैं, जिससे ये अपने आप ही ट्रैवल करते रहते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको हटा देते हैं। ओके, ये अभी हो गया, ठीक है। तो बस मैंने यहाँ पे जो है इतना ही अपडेट किया था, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कुछ अपडेट मैंने किया नहीं था, ठीक है। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट चीज़। जैसे आपको पता होगा कि ये हमारा 30 एपिसोड है, तो मैं इसको जो है थोड़ा सा जो है अब अलग तरीके से लेके जाना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है अभी तक हमने एम्ब्रल्स और विलेजर्स से तो चलो हमने ले लिया, एम्ब्रल्स एंड बुक्स या मेंडिंग वगैरह इन सब से जो अभी तक बिल्कुल फासला रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने थोड़े से एम्ब्रल ट्रेड किए थे अपने आयरन फार्म वाले विलेजर्स के साथ, ठीक है। विद स्टिक मैं 2-3 स्टैक स्टिक के लेके गया था एंड वहीं से जो है मैं ट्रेड करके लाया था। ओके, तो अब मैं चाहता हूँ कि अब जो है हम फिर से ट्रेडिंग शुरू कर दे, लाइक हम जो है अब या हम एक ट्रेडिंग हॉल भी बना सकते हैं, या हमको अगर एक एम्ब्रल्ड का सोर्स चाहिए, लाइक आपको पता है कि ट्रेडिंग सेंटर में आपको एक एम्ब्रल्ड का सोर्स चाहिए रहता है पहले, ठीक है। अगर उससे पहले अगर आप जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्या कहते हैं अपने विलेजर्स को अपग्रेड या ये सारी चीज़ें करने में, ठीक है। तो एक एम्ब्रल्ड का सोर्स आप बताओ कहाँ से मिल सकता है आपको, कुछ आइडिया है आपके पास एम्ब्रल्ड का सोर्स? एंड जिन्होंने भी गेस किया है, आई थिंक आपने रेड फार्म गेस किया है, आई थिंक, या एंड मैं अभी रेड फार्म की ही बात कर रहा हूँ, मैं इधर जो है अभी रेड फार्म बिल्ड करने वाला हूँ। एंड ये रेड फार्म जो है पूरा का पूरा ऑन कैमरा नहीं होगा, आधा से ज़्यादा जो है मैं लाइव स्ट्रीम में ट्राई करूँगा बिल्ड करने की, जिससे जो है मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ और आधी चीज़ें जो है मैं ऑन कैमरा ही बिल्ड करके दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको एक विलेजर आउटपोस्ट ढूंढना पड़ेगा, जो ऑलरेडी मैं ढूंढ के बैठा हूँ, तो उधर चलते हैं। पहले तो हमको जो है विलेजर आउटपोस्ट के लिए इधर जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद चलते हैं विलेजर आउटपोस्ट में, ठीक है। ओके, तो गाइस यहाँ पे मैंने एक और अपडेट किया था, मैं आइस वगैरह और लेके आया था, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने पूरा ही जो है यहाँ पे आइस कर दिया है, जिससे जो अभी इनकी स्पीड और ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, जो एक अच्छी चीज़ है। एंड मैंने कल जो है थोड़ा सा यहाँ पे AFK भी किया था, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा गोल्डन नगेट्स वगैरह आ चुका है, ठीक है। एंड बहुत सारा रोटन फ्लैश भी आ चुका है, तो इन जो रोटन फ्लैश है उसके लिए मैं एक अलग सिस्टम बनाऊंगा, जिसपे जो है हम एक डिस्पेंसर सिस्टम लगाएंगे, जिससे जैसे ही रोटन फ्लैश आए ना वो एकदम से जाके जो है लावा में डिस्पेंस हो जाए, ठीक है। तो ये है रोटन फ्लैश का, तो यहीं कहीं पे जो मैं एक डिस्पेंसर का सिस्टम बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो या वो भी जो हम बना लेंगे, कुछ ज़्यादा मुश्किल तो होगा नहीं वो वाला, ठीक है। तो हमको जाना है अपने पुराने वाले बेस पे, पुराने वाला बेस नहीं, वो हमारा जो स्टार्टिंग में एक डब्बा था उस पे जाना है, क्योंकि वहीं से जो है हमारा प्लेजर आउटपोस्ट का जो है जर्नी आएगा, ठीक है। लेट्स गो। ओके, तो गाइस ये मैंने घर फाइंड कर लिया, ये देखते, ये रहा हमारा पहला वाला घर, जहाँ पे हम कुछ 2-3 एपिसोड जो है यहीं पे रुके थे। एंड अब मज़ा आता भाई, यहाँ पे भी हमने यहाँ पे बहुत सारा माइन वगैरह किया था, ये देखते हो, ये रही हमारी माइन। ओ भाई, ओके, तो गाइस हमको जो है यहाँ से एकदम सीधा सीधा जाना है, आई थिंक से कुछ 100 ब्लॉक दूर, या वहीं पे जाना है, एंड वहीं पे जो है हमको अपना रेड फार्म मिल जाएगा, सॉरी विलेजर आउटपोस्ट मिल जाएगा। अभी मुझे एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट याद नहीं है, तो मैं आपको एग्जैक्टली बता नहीं सकता कौन से कोऑर्डिनेट पे, बट चलते रहते हैं, देखने मिल जाएगा हमको, ठीक है।
ओ गाइस, यहाँ पे अगर आप चेकआउट करो तो मेरे को रैबिट्स मिले हैं, बट मेरे पास एक भी लीश नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इनको मार देंगे। आई एम सॉरी गाइस, मुझे रैबिट हाइट मिल गया जो 1.17 के अंदर बहुत मेन है, बट अभी तो इनका कोई काम नहीं है। बट या 1.17 के अंदर रैबिट हाइट बहुत मेन है भाई, आप इससे अपने सैग्स बना सकते हो, ठीक है। सॉरी बंडल, सैग्स क्यों कह रहे हो, क्योंकि वो सैग जैसे दिखते तो मुझे लगा सैग होंगे, ठीक है, बंडल्स बना सकते हो, ठीक है। एंड मैं बस ऑलमोस्ट बस पहुँचने वाला हूँ, तो चलते हैं एक और मिनट। एंड यहाँ पे रात भी हो चुकी है, एंड मैं अपना बेड नहीं लाया, बहुत सही बात है भाई, अच्छा अच्छा ट्रैवलर हूँ मैं, बेड नहीं लाया अपना। ओके, मिल गया भाई, मिल गया, देख सकते हो गाइस यहाँ पे रहा हमारा पिलेजर आउटपोस्ट। एंड ये जगह बहुत ज़्यादा सही है, लाइक देख सकते हो आधे से ज़्यादा जगह जो है यहाँ पे जो है एकदम फ्लैट एरिया, बस थोड़ा सा टेरा फॉर्मिंग करनी पड़ेगी मुझे। एंड यहाँ पे जो है हट बे, एंड मुझे अपनी शील्ड पहननी पड़ेगी, एंड अपनी बो को भी निकालना पड़ेगा, एंड एंड पोल को भी निकाल के रखते हैं, ठीक है। भाई स्क्रीपर ने, वैसे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता प्लेजर आउटपोस्ट से, हम यहाँ पर रेड फार्म तो भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस ध्यान से चलते हैं, इसे लगा देते हैं यहाँ पे। ओके चलो, ऊपर जाने की जगह मिल गई, एंड कोई है ऊपर, नहीं कोई भी नहीं, ठीक है। एंड ओके, यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है, जल्दी से जो है यहाँ पे लूटते हैं इंचांटमेंट बोतल। यार क्या घटिया चीज़ें हैं बे, क्या घटिया चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड थोड़े से टॉर्च स्पैम मार देते हैं यहाँ पे। ओके तो बस इतना ही होता है क्या। ओके या हमने आई थिंक से पूरा रेड कर लिया, यहाँ पे थोड़े से टॉर्चेस लगा दो और क्रीपर ना आ जाए, लाइक पूरा पूरा उड़ा ही दिया भाई इस बंदे ने पूरा। और राइट, ओके ये तो हो गया, ठीक है। एंड अभी यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे एक स्पाइडर है। ओके तो इधर कुछ है, और राइट यहाँ पे कुछ भी नहीं है गाइज। और मुझे ज़्यादा लगता है लाइक या एक आयरन गोलम और होता है भाई यहाँ पे, एक ट्रैप्ड आयरन गोलम होता है जो इसमें नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। ऑल राइट, यहाँ पे भाई बहुत सारे मॉब्स हैं, तो मुझे जो एक बारी, ओह शिट, नहीं 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 नहीं, ओके मेरी शील्ड टूट गई गाइज, मेरी शील्ड टूट गई, मेरी शील्ड गई, मुझे जल्दी से ही भूल निकालने पड़ेंगे। ओके तो गाइस अभी जो है हम इस रेड फार्म के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। एंड रेड फार्म बनाना बहुत इजी है, मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हो, मैंने उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इजी स्टेप्स बता रखे हैं कैसे आप रेड फार्म इजीली बना सकते हो, ठीक है, कोई भी ज़्यादा आपको उसके अंदर मुश्किल वगैरह नहीं आएगी। एंड ये जो पिलेजर आउटपोस्ट है हमको इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको भी जो है डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है, बस हमको मेन ज़रूरत पड़ेगी तो इस प्लेटफॉर्म की पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है हमको स्पॉन देखने हैं उनके, कि वो स्पॉन कहाँ पे होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई अच्छा स्पॉन नहीं मिला तो हमको एक और प्लेजर आउटपोस्ट ढूंढना पड़ सकता है, ठीक है। तो आज देखिए, तो मैं वो सारा काम जो है अगले एपिसोड के लिए छोड़ता हूँ, मुझे पता है आज का एपिसोड थोड़ा सा छोटा हो गया होगा, क्योंकि आज जो है बहुत ठंड है यार, मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं थी आज वीडियो बनाने की, बट तो भी जो है मैं थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा था आज वीडियो बनाने की। एंड सच बता रहा हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा ठंड है, एंड मैं अभी सामान भी नहीं लाया, तो सामान भी जो है हम अगले एपिसोड में लेके आएंगे, एंड उसी के साथ जो है हम इसको बिल्ड भी करेंगे, या मैं सीधा जो है अगले लाइव स्ट्रीम करूँगा 2-3 दिन में, एंड उसी के अंदर जो है इसको बिल्ड करेंगे, ठीक है। ओके सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई, क्योंकि मुझे पता है वीडियो छोटी है, बट यार आज तो हमको ऐसे ही जो है निकालना पड़ेगा, ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता हूँ। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैं मिलूंगा किसी और दिन श्योर पाड़ू कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सेवन आ रहा।